अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इनपुट और देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इनपुट्स कौन कौन सी होती हैं, और साथ हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट की डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं कि इनपुट क्या है, अब इसे दोबारा रिवाइज करते हैं कि इनपुट हमने क्या डेफिनेशन की थी। इनपुट की हमने देखा था, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाती है। अब वो आपके पास डाटा भी हो सकता है, आपकी इमेज भी हो सकती है, आपकी कोई ऑडियो फाइल भी हो सकती है, या फिर कोई वीडियो फाइल भी हो सकती है, या इन तमाम का कम्बिनेशन भी हो सकता है। कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। अब इनपुट हमारे पास दो तरह की होती हैं। पहली हमारे पास होती है जी डायरेक्ट इनपुट, और सेकंड होती है हमारे पास इनडायरेक्ट इनपुट। सबसे पहले हम डायरेक्ट इनपुट को देखते हैं, ये क्या होता है। डायरेक्ट इनपुट के अगर हम डेफिनेशन करें तो वो कुछ इस तरह से होगी, अ टाइप ऑफ इनपुट इन विच डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डायरेक्टली। यानी कि ऐसी इनपुट जिसमें हमारे पास जो डाटा है वो सोर्स से कंप्यूटर में डायरेक्टली इंटर कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनपुट कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सोर्स क्या चीज़ है। सोर्स हमारे पास वो चीज़ जहाँ पर आपका डाटा मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका डाटा किसी बुक के ऊपर है तो बुक क्या होगी आपके पास, वो सोर्स होगी। अगर आपका डाटा ब्रेन के अंदर है तो आपका ब्रेन क्या होगा, वो सोर्स होगा। तो जब हमारा डाटा सोर्स से कंप्यूटर में डायरेक्टली इंटर कर दिया जाता है उसे हम कहते हैं यह डायरेक्ट इनपुट है। यानी कि सोर्स और हमारे कंप्यूटर के दरमियान कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता। ये चीज़ हम डेफिनेशन में की है कि हमारा डाटा है वो सोर्स से कंप्यूटर में जब डायरेक्टली इंटर कर दिया जाता है उसे हम डायरेक्ट इनपुट कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका डाटा किसी बुक के ऊपर आपका डाटा मौजूद है, उस बुक के अंदर 100 स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद था, वो आपने किसे देना था, आपने वो कंप्यूटर में सेव करना था, कंप्यूटर में इनपुट देनी थी। अब आप क्या करेंगे, आप किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में अगर डायरेक्टली स्टोर करना चाहें तो उसे कर सकते हैं। किस तरह, आप एक स्कैनर लेंगे और स्कैनर के थ्रू पूरी बुक को स्कैन करके इसका जो डाटा है वो कंप्यूटर में स्टोर करवा देंगे। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम डायरेक्ट इनपुट कहेंगे। यानी कि हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन हमारे कंप्यूटर के दरमियान कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं था, डाटा आपका डायरेक्टली स्कैनर से ट्रांसफर हो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर। सेम तरीके से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारा डिजिटल कैमरा की। कैमरे के अंदर आपके पास इमेजेस अगर मौजूद हैं और वो इमेजेस आप कंप्यूटर को देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली कैमरे को कंप्यूटर के साथ किसी केबल वायर के थ्रू अटैच कर देंगे और आपका जो इमेजेस है, आपका जो डाटा है वो कंप्यूटर में, आपकी जो इनपुट है वो कंप्यूटर में डायरेक्टली इंटर हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनपुट कहते हैं। सेकेंड में हमारे पास आती है इनडायरेक्ट इनपुट। ये क्या होती है, इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, अ टाइप ऑफ इनपुट इन विच डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू कंप्यूटर थ्रू सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग। यानी कि हमारे पास जो डाटा है वो सोर्स से हमारे कंप्यूटर में किसी इंटरमीडिएट सोर्स के थ्रू जाता है। यानी कि हमारे सोर्स, हमारे मेन सोर्स और हमारे कंप्यूटर के दरमियान कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इनपुट कहते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में किया, हमारा जो सोर्स था वो क्या थी, हमारी बुक थी, बुक के अंदर हमारे पास डाटा मौजूद है और हमने वो ट्रांसफ़र करना है हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो अब आप क्या करेंगे, या तो आप स्कैनर के थ्रू डायरेक्टली कंप्यूटर में वो डाटा इंटर कर देंगे। अब दूसरा तरीका आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इनडायरेक्ट इनपुट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें आप एक शख्स को हायर करेंगे, आप उसे कहेंगे कि वो क्या करे,
वो इस बुक से डाटा को पहले रीड करे, वो डाटा को रीड करेगा और फिर वो कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर में वो जो डाटा है वो सेव कर देगा, वो इंटर कर देगा। यानी कि क्या है, आपके पास सोर्स है बुक, बुक से पर्सन, उस पर्सन ने क्या किया, डाटा को रीड किया, रीड करके कीबोर्ड के थ्रू उसने टाइप किया डाटे को और वो डाटा किस में चला गया, आपके कंप्यूटर में चला गया। अगर आप देखें तो क्या होगा, आपके सोर्स और आपके कंप्यूटर के दरमियान एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। कंप्यूटर का जो आपका डाटा है, जो आपका सोर्स का डाटा है, वो कंप्यूटर में डायरेक्टली इंटर नहीं हो रहा, वो किसके थ्रू जा रहा है, वो आपके थर्ड पर्सन के थ्रू जा रहा है। तो ये जो थर्ड पर्सन हमने यूज़ किया है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट इनपुट है, कि हमारे सोर्स और हमारे कंप्यूटर के दरमियान एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। तो ऐसी इनपुट जिसके अंदर हमारे पास कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, उसे हम क्या कहते हैं, और इनडायरेक्ट इनपुट। ये थी हमारे पास इनडायरेक्ट इनपुट और डायरेक्ट इनपुट। आगे हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ऐसी डिवाइसेस जो हम इनपुट के लिए, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जिस तरह अभी हमने डायरेक्ट इनपुट में देखा था स्कैनर, स्कैनर किस लिए यूज़ कर रहे थे हम, डाटा को इंटर करने के लिए। तो स्कैनर क्या होगा, मेरे पास एक इनपुट डिवाइस होगी। सेम इसी तरीके से हमने कीबोर्ड देखा था इनडायरेक्ट इनपुट के अंदर, तो कीबोर्ड भी मेरे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। तो कोई भी डिवाइस जो हम कंप्यूटर में डाटा इंटर करने के लिए, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।